नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आपने सूक्ति मौक्तिकम पाठ में नैतिक शिक्षाओं पर आधारित आपने सुभाषितानी को पढ़ा। सुभाषितानी अर्थात सुंदर वचनों वाले श्लोक, ठीक है। ये सुभाषितानी जो थे इसमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई थी, जिनका कि मनुष्य उपयोग करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। तो छात्रों, ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ पर इस पाठ में आपको संकलित किए गए थे और आपने उसका अध्ययन किया। अब हम इस पाठ पर आधारित, इन श्लोकों पर आधारित जो अभ्यास माला है उसको देखते हैं। तो आइए छात्रों, हम ध्यान से देखते हैं क्लास 9 संस्कृत सूक्ति मौक्तिकम का 9वां भाग। छात्रों, अभ्यास माला को दो भागों में बांटा है। पहला अभ्यास माला ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको केवल संस्कृत भाषा में ही देने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए छात्रों, यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। यत्नेन यानी कोशिश के द्वारा किसकी रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की या धन की। वित्तम यानी क्या था, धन, और वृत्तम यानी चरित्र। तो कोशिश के द्वारा हमको किसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की या चरित्र की? छात्रों आंसर बताइए, हमको चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। तो आंसर है यत्नेन वृत्तम रक्षेत, यानी हमको यत्न कोशिश करके चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए छात्रों, अस्माभिः कीदृशम आचरणम् न कर्तव्यम, यानी हम लोगों को कैसा आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो कैसा नहीं करना चाहिए, जो हमारी आत्मा के प्रतिकूल हो ऐसा आचरण हमको व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आंसर लिखिए छात्रों, आत्मना प्रतिकूलानी अस्माभिः आचरणम न कर्तव्यम, यानी जो हमारी आत्मा के प्रतिकूल हो वैसा आचरण हमको नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम थर्ड नंबर देखिए छात्रों, जनतवा केन विधिना तुष्यंती, यानी प्राणी लोग किस विधि के द्वारा संतुष्ट होते हैं। तो किस विधि से संतुष्ट होते हैं, प्रिय वाक्य बोलने से, है ना। तो लिखिए आंसर, जनाहा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यंती, यानी प्राणी लोग प्रिय वाक्य प्रदान करने से ही संतुष्ट होते हैं, ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट नंबर देखिए, पुरुषई किमर्थम प्रयत्न कर्तव्या, यानी पुरुषई यानी पुरुष लोग मानव लोग किस लिए प्रयत्न करते हैं, किस लिए करते हैं, गुणों के लिए। तो आंसर लिखिए, पुरुषई गुणेषु ए प्रयत्न कर्तव्या, यानी अपने गुणों के लिए ही वो क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर छात्रों, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, यानी सज्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है। सज्जनों की मित्रता छाया के समान होती है, कौन सी छाया, जो दिन के शुरू में छोटी होती है और बाद में बड़ी होती है, ठीक है। तो सज्जनानां मैत्री पूरा लघवी, यानी पहले छोटी फिर धीरे धीरे वृद्धमती यानी बढ़ती हुई, पश्चात दिनस्य परार्ध से छाए भवती, अर्थात बढ़ती हुई बाद में दिन के परार्ध की तरह से छाया होती है सज्जनों की मित्रता, यानी दिन में जाकर बाद में जाकर लंबी होती है, पहले छोटी रहती है। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, सरोवराणाम हानि कदा भवती, यानी तालाबों की हानि या नुकसान कब होता है, कब होता है छात्रों तालाबों का नुकसान, इन श्लोकों के आधार पर, जब हंस लोग दूसरे तालाब की ओर जाते हैं।
है ना। तो आंसर क्या हुआ, मरालई सह विप्रयोगा सरोवराणाम हानि भवति, यानी हंसों का विप्रयोग यानी हंसों का वियोग या बिछड़ना सरोवरों की हानि कहलाता है। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, नद्याः जलम कदा अपेयम भवति, यानी नदियों का जल कब अपेय होता है, यानी अपेय यानी ना पीने योग्य। तो कब होता है, नदियां जब ऐसे तो स्वादिष्ट है, मीठे जल वाली है, परंतु जब वो समुद्र में मिलती हैं तो वो खारे जल में हो जाती हैं, तो वो बिना पानी के पीने योग्य हो जाती हैं। इसलिए आंसर क्या हुआ, समुद्रम आसाद्य नद्याः जलम अपेयः भवति, अर्थात समुद्रों को पाकर नदियों का जल नहीं पीने योग्य होता है। ठीक है छात्रों, नाउ नेक्स्ट नंबर देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर टू, का स्तंभे विशेषणानि यानी एडजेक्टिव, खा स्तंभे चा विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितम योज्य, यानी का और खा दो खंड है, मैचिंग करना है आपको, का खंड से खा खंड में मैचिंग करना है। इसमें एक में एडजेक्टिव दिया है, एक में एडवर्ब दिया है, आपको दोनों को मिलाना है। ठीक है, तो का खंड में दिया है आस्वाद्य तोया, खा खंड में दिया है खलाना मैत्री, का खंड में गुणयुक्ता सज्जना नाम मैत्री, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, उसके सामने दिया है नद्यः, ठीक है, और दिनस्य परार्ध भिन्ना, उसके सामने दिया है दरिद्रा। तो आंसर देखिए छात्रों, विशेषण का विशेष्य के साथ में, आसाद्य तोया क्या था, यानी जो स्वादिष्ट जल वाला था वो क्या था, नदियां, तो नद्या। गुणयुक्ता दरिद्रा, यानी गरीब भी गुणयुक्त होते हैं। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलाना मैत्री, क्योंकि दुष्टों की मैत्री पूर्वार्ध के समान होती है दिन के। और दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जना नाम मैत्री, दिन के परार्ध के समान लंबी सज्जनों की मित्रता होती है। ठीक है छात्रों, समझ में आया कि नदियों का जल खारा और गुणयुक्त गरीब होते हैं, और दिन पूर्वार्ध यानी पूर्व दिन के शुरू होने पे जो बताएं लंबी होती है वो क्या होती है, दुष्टों की मित्रता होती है, और दिनस्य परार्ध भिन्ना जो होती है वो सज्जना नाम मैत्री होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, अधोलिखितयो श्लोक द्वयो आशयम हिंदी भाषिया आंग्ल भाषिया वालिका, यानी नीचे लिखे गए दो श्लोक हैं उनको आपको हिंदी या इंग्लिश में आपको लिखना है उसका आशय। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको हिंदी भाषा में लिख कर दे रहे हैं। पहला देखिए, पहला श्लोक, आरंभ गुरवी क्षणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात, दिन से पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाए मैत्री खल सत्यनाना, अर्थात आशय क्या हुआ इसका, कि दुष्टों की मित्रता जो है वो आरंभ में बड़ी और दिन पर दिन क्रम से क्षीण होने लगती है, यानी कम होती जाती है, जैसे दिन के पूर्वार्ध की छाया, और सज्जनों की मित्रता जो होती है वो दिन के परार्ध की छाया के समान होती है, जो कि पहले छोटी और बाद में बड़ी होती है। ठीक है, ये समझ में आया आपको छात्रों कि दुष्टों की मित्रता कैसी होती है, आरंभ में बड़ी और बाद में कमजोर, और सज्जनों की मित्रता पहले छोटी, पहले धीरे धीरे वो लोगों को समझते हैं, फिर बाद में गाढ़ी मित्रता करते हैं, तो फिर वो बाद में बड़ी होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, दूसरा श्लोक है, आपने ये सब सारे श्लोक समझ लिए इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यंती जंतवा तस्मात देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, ये भी श्लोक आपने समझ लिया है, इसका हिंदी भाषा में अर्थ देखिए, कि सभी प्राणी प्रिय बोलने से ही प्रसन्न होते हैं अर्थात खुश होते हैं, इसलिए हमको प्रिय बोलना चाहिए, प्रिय बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, प्रिय बोलकर हमको सबको खुश रखना ही चाहिए, उसमें कोई गरीबी और अमीरी नहीं होती है। ठीक है छात्रों, तो
ये आपका अभ्यास माला एक था सूक्ति मोक्ति कंपाठ का। आगे हम दूसरा अभ्यास माला लेकर आपके सामने आएंगे। तो छात्रों, आपको इस अभ्यास माला में अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर समझ में आए। इसमें आपने प्रश्नोत्तर देखा, सारे श्लोकों पर आधारित था। मैच द फॉलोइंग जो कि आपका विशेषण और विशेष्य के रूप में था, और फिर दो श्लोक दिए गए थे जिसमें कि आपको आशय स्पष्ट हिंदी या इंग्लिश में ही करना था। तो छात्रों, अगर आपको इसमें कोई डाउट आया है इन श्लोकों को आशय में या क्वेश्चन आंसर में या मैचिंग में, तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए छात्रों, धन्यवाद। नमो नमः।